सड़क पर यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ आरटीओ हमीरपुर ने सख्ती से बरतने का निर्णय लिया है। आरटीओ वीरेंद्र शर्मा के द्वारा चार जगहों पर नाका लगाकर गाड़ियों की चेकिंग की गई और सवारियों से अधिक किराया लेने के बारे में भी पूछा गया और गाड़ियों की चेकिंग के दौरान अनियमितताएं पाए जाने पर चालान काटे गए। लोगों की शिकायत पर ये कार्यवाही अमल में लाई गई। चेकिंग के दौरान करीबन 30 गाड़ियों को रोककर चेकिंग की गई और गाड़ियों में कागजात से लेकर दूसरी कमियों को लेकर भी चालान किए गए। रोपा बड़ू दुसड़का के पास ये नाका लगाया गया। आरटीओ हमीरपुर वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि लोगों की शिकायत मिल रही थी कि निजी बस ऑपरेटर अधिक किराया वसूल रहे हैं, जिस पर कार्यवाही करते हुए नाका लगाकर बसों की चेकिंग की गई। उन्होंने बताया कि चेकिंग के दौरान पाया कि आदेशों के बावजूद भी निजी बस ऑपरेटर सवारियों को टिकट नहीं दे रहे हैं। वहीं बस ऑपरेटरों को हिदायत दी गई कि जब तक किराए बढ़ोतरी को लेकर अधिसूचना जारी नहीं होती है तब तक अधिक किराया ना लिया जाए। आरटीओ हमीरपुर ने बताया कि निजी बस चालक और परिचालक बिना वर्दी के पाए गए हैं, जिन्हें चेतावनी देकर छोड़ा गया है और आगे से वर्दी डाल गाड़ी चलाने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में भी इस तरह के औचक चेकिंग अभियान जारी रहेगा ताकि नियमों की अवहेलना करने वालों पर शिकंजा कसा जा सके। मेरे पास शिकायतें तो खैर लगातार ही आ रही हैं। कल परसों मैंने इनसे बात भी की थी, जो यहाँ के बस ऑपरेटर्स हैं। फिर हमने डिसाइड किया कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती है किराए को ना बढ़ाया जाए। इक्का दुक्का कुछ चीज़ें जो थी वो कंडक्टर्स के द्वारा की जा रही थी, तो उसको भी हमने प्रयास किया कि इसको हटाया जाए। पर आज सुबह और कल शाम से मुझे फिर वही शिकायतें कि जी लोग हमसे एक तो किराया ज़्यादा ले रहे हैं और अगर हम उसके बारे में हमसे कोई बात प्रतिवाद या कुछ भी कहने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें एक सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं मिल रहा है। तो स्थिति को ये जानने के लिए कि सचमुच क्या ऐसी स्थिति है, मैंने आज कोशिश की कि कुछ एक रूट्स को चेक किया जाए। तो मैंने आज ये जो जाहू वाला रोड है, यहाँ से बड़ू से होता हुआ और दो सड़का बरोहा, इस पर मैंने शाम के टाइम जो कुछ बसेज जाहू की तरफ या सरका घाट बस्सी की तरफ जाती हैं वो और जो वापस हमीरपुर की तरफ आती हैं उनको चेक किया। तो मैंने ये पाया कि ज़्यादातर बसेज में जो है अभी तक टिकट्स जो हैं वो जारी नहीं किए जा रहे हैं उनसे। हालांकि मैंने खुद जो है वो बस में ये लोगों से बात की तो उनका ये कहना था कि नहीं हमसे जो है, क्योंकि सुबह भी मैंने ये मैसेज दिया था तो मुझे पता लगा कि कुछ जो बसेज हैं वो बड़ा हुआ किराया नहीं ले रही हैं। अलबत्त कुछ एक ड्राइवर कंडक्टर्स का, जैसे मुझे आज सुबह ही सरका घाट से जो हमीरपुर की तरफ रोड है उसमें ये लगा पता कि कुछ लोगों से, कुछ बच्चों से भी किराया लिया गया, तो उस चीज़ को भी मैं चेक किया और मैं इस मुझे ये इस कंक्लूजन पे मैं पहुंचा कि हाँ कुछ लोगों के साथ जो है उन्होंने किराए को ज़्यादा लेने के प्रयास भी किया। तो कंडक्टर ने इस चीज़ को स्वीकार भी किया और मैंने उसको सख्त रूप से हिदायत भी दी कि कोई भी किराया जो है बढ़ा हुआ नहीं लेना। और मैं आपके माध्यम से भी सभी लोगों को जो भी है कि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुई है और मेरा विनम्र आग्रह है सभी ऑपरेटर्स से, कंडक्टर से, बस ड्राइवर से कि वो लोगों को ऐसी किसी स्थिति में ना डालें कि वो रोज़ जो है मुझे सुबह ही शिकायत करें। तो मैं चाहूँगा कि नोटिफिकेशन के बाद जो भी सरकार के आदेश आएंगे उसके मुताबिक वो किराया लें। हालांकि चार पांच मैंने बसें चेक की तो ज़्यादातर ये भी फाइंड आउट किया कि उनको जो है टिकट्स जारी नहीं हुए हैं, तो मैंने उसके बारे में कुछ चालान भी किए। वर्दियों के चालान तो चलो एक सामान्य बात है, उसकी डायरेक्शन भी उनको दी गई। तो आज ये हमने कोशिश की कि एक मैसेज जाए ताकि लोग ये फील ना करें कि हम उनके बारे में जो उनकी जो शिकायत है उसके बारे में जो है वो हम सचेत नहीं है या कोशिश नहीं कर रहे हैं। थैंक यू।